कहाँ कहाँ से मिले सिलेंडर सर? वो वाइट कर रहा है सर, और जो गाड़ी हमारी की लगी है। हां तो आप ठीक था ना, ये मैं कश्मीर से खोल रहा है, मैं बैठा मेरे कॉल पे। और इसलिए मैंने बोला लेट नहीं। मेरा नाम धीरज कुमार है और ये बम हमारे ताऊ जी की ज़मीन है, उनका नाम देवराज शर्मा है, उनकी ज़मीन से मिला है ये बम। उसके बाद जब ये इस बम को उठा के मैं ही लाया था, मैंने इस बम को यहाँ पे लाया। उसके बाद मैंने सरपंच साहब को फ़ोन किया, सरपंच साहब ने SHO साहब को फ़ोन किया, SHO साहब और उनकी पूरी टीम मौके पे आई है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी जो आर्मी है, आर्मी सेना है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आके इतने बड़े बम को डिफ्यूज़ किया यहाँ पे आके। उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सर पहले तो हमें डर नहीं लगा था इस बम को, जब मैंने उठाया इसको डर नहीं लगा था, क्योंकि ऐसा जो सब मुझे कह रहे थे कि इस बम को उठाना नहीं चाहिए, एक अपनी आपकी जान को भी खतरा हो सकता है इसका। तो सर मैं नहीं मानता था, अभी सर डर लग रहा है, जब ये इसको ब्लास्ट किया है तभी डर लग रहा है, अभी पहले नहीं लगा। मैं वार्ड नंबर 6 मिसिटी मल्ला ब्राह्मणा से बोल रहे हूँ कि यहाँ से मेरे भतीजा जो इधर आ रहा था चारा काटने के लिए, उसको बम मिला है वहाँ पे, तो उसने हाथ से उठा कर लाया यहाँ पे, तो कहने लगा मेरे को बम मिला है, तो 20 kg इसका वेट है, तो क्या करें। कर फिर उसने जाकर पुलिस वालों को फ़ोन किया, उनको बताया, फिर आर्मी वालों को भी बताया, फिर उन सबको ला के इधर उसको डिस्पोज किया। तो हम लोग उनकी बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने आर्मी वालों पुलिस वालों ने बम मिल चुके हैं, पहले भी मिले थे लेकिन वो भी पुराने थे, मतलब मिस थे वो, लेकिन ये जो इस हादसा देकर हमें बहुत डर लगा, बहुत खतरनाक बम था सर ये। वो क्या मेल्ट हो जाएगा ना, खिंड जाएगा सब, ठीक है।